हज़ारों मसरूफियात के बावजूद दुनिया के लिए जैसे भी मुमकिन हो हम वक्त निकाल ही लेते हैं, तो क्या जिस मकसद के लिए हमें पैदा किया गया है उसके लिए थोड़ा सा वक्त भी नहीं निकाल सकते? इस सिलसिले में हमारा तर्ज अमल क्या है, इस पर खुद ही गौर फरमाइए, क्योंकि हमारा जो ज़िंदगी का मकसद है वो तो रब की रज़ा का हुसूल है, मगर अफसोस हम उससे गाफिल होकर दुनियावी तरजीहात में मगन हो चुके हैं। हमारे मज़हब का नाम इस्लाम है और हम मुसलमान हैं। अगर इन अल्फाज के मानी पर ही गौर कर लिया जाए तो मालूम होगा कि हमें तो अहकाम खुदाबंदी के सामने सर तस्लीम खम कर देने का हुक्म दिया गया है, मगर शायद हम धन की धुन में ना सिर्फ अपने मकसद को भूल कर रहमत खुदाबंदी से दूर हो चुके हैं बल्कि खुद अपने आप से भी गाफिल हो चुके हैं। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वला तकूनु कल्लदीना नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम उलाइकहुमुल फासिकून, और उन जैसे ना हो जो अल्लाह को भूल बैठे तो अल्लाह ने उन्हें बला में डाला कि अपनी जानें याद ना रहीं, वही फासिक हैं। इस आयत से मालूम होता है कि जो लोग अल्लाह पाक के जिक्र से गफलत के मुर्तकिब होते हैं अल्लाह पाक उन्हें उस आजमाइश में मुब्तिला फरमा देता है कि वो अपनी ज़ात से भी गाफिल हो जाते हैं, और यूँ अल्लाह पाक उनसे नाराज़ होकर उन्हें उनके हाल पर छोड़ देता है। नसुल्लाह फनसियहुम, वो अल्लाह को छोड़ बैठे तो अल्लाह ने उन्हें छोड़ दिया। रहमत खुदावंदी से दूरी का सबब हमारा याद खुदावंदी से गाफिल होना है, लिहाजा हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें क्यों पैदा किया गया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिन और आदमी इसीलिए बनाए कि मेरी इबादत करें।